499 रुपीज में हम दो लोगों ने किया हॉलिडे इन सोशल किचन जैसी जगह में बढ़िया सा लंच। तो वीडियो पे एंड तक बने रहना ताकि आपको पता लग जाएगा कि कैसे मिला ये हमें सबसे बड़ा ऑफर। तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। हम हैं आयुषी। तो जैसे कि आज है संडे, फुल टू वीकेंड वाइब्स है, तो आज हम और संजीव जा रहे हैं लंच करने हॉलिडे इन सोशल किचन में। तो चलिए आप भी हमारे साथ, हम आपको भी सैर करा लाते हैं। तो चलिए चलते हैं, हमारी गाड़ी आ चुकी है, लेट्स गो। भूख लगी है आज बाहर खाने के चक्कर में इसको नाश्ता ही नहीं कराया सुबह। चलो चलो, बहुत सारा खाना खिलाएंगे आज। तो मस्त हम लोग घर से रेडी वेडी हो के 12:30 बजे करीब निकल गए थे। हमारा टारगेट था कि हम लोग 1 बजे तक वहाँ पहुँच जाए। वहाँ पे लंच का टाइमिंग 1 से 4 का होता है, तो हमने सोचा 1 बजे तक पहुँच जाएंगे तो 3-3:30 बजे तक अच्छा खासा टाइम स्पेंड कर लेंगे। तो हॉलिडे इन राजरहाट साइड में लोकेट करता है। अगर आप न्यू टाउन साइड जाते हो तो ये मेन रास्ते पे ही पड़ता है। सिटी सेंटर 2 के थोड़ा पहले ही हॉलिडे इन आपको दिख जाएगा, क्योंकि ये मेन रास्ते पे है, कोई गली में नहीं है। तो ये पहुंच गए हैं हम लोग अपने डेस्टिनेशन पे। हॉलिडे इन एक प्रॉपर होटल भी है, अगर आप कोई टूरिस्ट हो तो आप यहाँ स्टे भी कर सकते हो, क्योंकि ये एयरपोर्ट के काफ़ी पास होता है तो लोगों के लिए कन्वीनियंट होता है एक सामने होटल देखने का। तो ये हम लोग अंदर आ गए हैं, ये है इनका प्रॉपर व्यू। यहाँ इंटीरियर इनका बहुत ही सुंदर है, बहुत सोबर है इनका इंटीरियर। यहाँ के स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं, बहुत मैनेजेबल है सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। वो लोग भी बार बार आके पूछते रहते हैं कि मैम सर फूड कैसा है। नाइस प्लेस ना, अच्छा बहुत सुंदर है। हम लोग आज पहली बार आए हैं सोशल किचन में एक्सप्लोर करने, लेट्स सी खाना कैसा होता है। तो सबसे पहले वेलकम ड्रिंक में उन्होंने हमें सर्व किया रोज शरबत और थम्स अप। ये पानी की बॉटल देख रहे हैं ना, अब ये तो हमारी आंखों को एकदम भा गया। हमें तो लगा कि बस इसको हम लोग घर ही ले जाएं, बहुत ही प्यारा बॉटल था ये। फिर स्नैक्स में स्टार्टर में उन्होंने सर्व किया पनीर टिक्का, ये वेजिटेबल कुछ फ्राई था, फिर था ये मशरूम दही वही देकर के बहुत बढ़िया बनाया हुआ था, एंड ये क्रिस्पी बेबी कॉर्न बहुत ही क्रिस्पी था, बहुत मज़ेदार था। वहाँ पे लाइव काउंटर भी है चाट वगैरह का, वो प्रॉपर चांदनी चौक वाला चाट काउंटर है। खा करके अगर आपने दिल्ली की कभी चाट खाई है तो याद ज़रूर आ जाएगी। देख रहे हैं ना कितने बढ़िया तरीके से मसालेदार चाट बना रहे हैं, मुंह में पानी ना आ जाए देख के तो बता देना। तो मस्त दही वही डाल के हमारी समोसा और टिक्की चाट तो हो गई है रेडी, देखिए कितना टेम्पटिंग लग रहा है। फिर मैंने बनवाया उनसे गोलगप्पा, यानी कि बंगाल का फेमस पुचका। कोलकाता में आप कहीं भी बफे खाने जाओगे आपको चाट में पुचका तो ज़रूर मिलेगा, ये यहाँ की शान है। तो ये देखिए हमारे पति देव जी खा रहे हैं सैलेड, ये तो उसी दिन से डाइट भी चालू कर गए। मैंने तो बोला कैसे ये खा सकते हैं, इतना बाहर इतना बढ़िया खाना देख करके सिर्फ सैलेड पे कैसे गुजारा हो सकता है। तो मैंने टेस्ट किया अपना गोलगप्पा, अपना पुचका, जो कि बहुत बढ़िया था, बहुत मज़ेदार था। बट हाँ, ये बोल सकते हैं कि हमें स्ट्रीट वाला पुचका सादा पसंद आएगा, ये यहाँ पे कम मसाले वाली पुचका होती है। ये चाट भी बहुत अच्छा था, इतना सारा खाना खाना है तो पचाने के लिए कोल्ड ड्रिंक भी तो बीच बीच में ज़रूरी है। फिर ये हमें उन्होंने सर्व किया था वेज पास्ता, जो कि मिक्स सॉस पास्ता था, वो भी बहुत ही अच्छा था। ये था मिनी पिज़्ज़ा, जो कि कम अच्छा लगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्होंने क्रिस्पी कर दिया था, बट अपने अपने लोगों की बात है, आपको शायद पसंद आ सकती है। ये है पूरा कर्ड काउंटर, दही काउंटर, यहाँ पे है दही बल्ले और दही का रायता, प्लेन रायता, ये सब है चाट काउंटर, चने की चाट, बीटरूट चाट,
आम, कच्चे आम की चाट, सैलेड, वो पास्ता वाली सैलेड जो मेयोनीज वगैरह डाल के होती है, बट ये नॉन वेजिटेरियन था और नॉर्मल और भी बहुत सारी सैलेड थी। ये है बॉम्बे स्पेशल आलू वाली सैंडविच, ये है ब्राउन ब्रेड में खीरे टमाटर वेजिटेबल वाली सैंडविच, यहाँ पे बहुत सारे सैलेड्स रखे हुए हैं। तो ये है ओवरऑल हमारा सैलेड काउंटर। वैरायटीज ऑफ अचार थी वहाँ पे भी, चार तरह के अचार देते हैं, उसमें खट्टी मीठी भी अचार है। उसी के साथ आपको मिलेगा यहाँ पे रोस्टेड फ्राई पापड़ और कुछ चिप्स वगैरह जो कि पापड़ जैसे ही है। संडे के दिन गए थे हम लोग, अच्छी खासी भीड़ भी थी, काफ़ी लोग आए हुए थे और कुछ टूरिस्ट भी थे जो वहाँ पे स्टे कर रहे थे। यह है इनका बार काउंटर। बार हमारे उसमें फूड में इंक्लूड नहीं होता है, अगर आपको पीना है तो आपको अलग से पे करना होता है। और यहाँ पे इनकी ट्रॉफीज़ है, इन्होंने काफ़ी प्राइज़ और ट्रॉफीज़ जीती हुई है क्योंकि इनका नाम भी बहुत ज़्यादा है। ओवरऑल इनकी फूड क्वालिटी भी बहुत ही अच्छा है, बहुत हाइजीन मेंटेन करते हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि हमें 499 रुपीस में कैसे ये ऑफ़र मिला। एक्चुअली नियर बाय ऐप में मेरे हस्बैंड ने कूपन कोड लगाया था, हमें ऑफ़र मिला था जो 2000 रुपीस का है वो हमें 499 में मिलेगा। वैसे तो वहाँ का चार्ज 1000 रुपीस पर पर्सन का होता है, बट हमें मिला 499 में। तो ये है मेन कोर्स जो कि है नूडल्स, और ये है मैक एंड चीज़, चीज़ से बना हुआ कुछ आइटम था, मैंने तो नहीं खाया बट देख के बहुत अच्छा लग रहा था। चाउमीन के साथ खाने के लिए वेज मंचूरियन, पंजाबी स्टाइल राजमा, मसालेदार भिंडी, वेजी वेज वाली सब्ज़ी, ये थी दाल फ्राई। दाल फ्राई बहुत अच्छी लगी मुझे तो। यहाँ पे है बंगाली स्टाइल की पनीर की सब्ज़ी और कुछ पोस्तो वगैरह देकर के मिक्स सब्ज़ी, बैगन भाजा, करेला भाजा जो कि बंगाल का शान है। तो यहाँ पे है ये जीरा राइस, प्लेन स्टीम राइस, और अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो आपको यहाँ पे दो आइटम मिलेंगे, एक चिली फिश और चिकन करी। नॉन वेज में आपको मेन कोर्स में दो ही आइटम मिलेंगे, वरना आपको स्टार्टर्स में जो वेज थे वो सब कुछ आपको नॉन वेज में भी अवेलेबल है। ये है हमारा डेजर्ट काउंटर, गर्मा गर्म माल पोहा, ये शुगर फ्री रबड़ी, ये तो बहुत अच्छी थी, जो शुगर पेशेंट है बहुत मज़े से खा सकते हैं, बंगाल की फेमस संदेश। ये है कुछ रंग बिरंगी पेस्ट्री, सबसे बढ़िया डेजर्ट था ये कस्टर्ड, बहुत ही अच्छा टेक्स्चर था, बहुत स्मूथ था, बहुत बढ़िया था, बहुत अच्छा लगा हमें खा के। तो इन द मीनवाइल हमें सर्व किया गया ये ऑरेंज जूस जो कि उसमें भी सोडा वगैरह डाल करके बहुत अच्छा बनाया हुआ था। आपको दो सूप काउंटर भी मिलते हैं, एक नॉन वेज और एक वेज। ये सज गई है मेरी थाली, भले कितने भी आइटम हो जाए पर पेट तो सिंपल दाल चावल से ही भरता है। तो इतना स्नैक्स खाने के बाद और मुझे मन नहीं था कि मैं कुछ मसालेदार सब्ज़ी या कुछ लूँ, तो मैंने हल्का सिंपल ही खाया, ये कच्चे आम की कैरी खाई ताकि अच्छे से हजम हो जाए। मेरे हस्बैंड खा रहे हैं बढ़िया बढ़िया टेस्टी दार डेजर्ट। कैसे चबर चबर खा रहा है। इसको मिठाई बहुत पसंद है ना, डेजर्ट स्वीट्स तुमको बहुत पसंद है ना। और मेरे पेट में एकदम जगह नहीं है कि हम डेजर्ट खाए, मेरे को मन भी नहीं कर रहा है। तो ये मैंने अपनी डेजर्ट की प्लेट सजा ली है, मैंने लिया सिर्फ रबड़ी, कस्टर्ड, मालपुआ और संदेश। तो यहाँ हो गया हमारा खाना कंप्लीट। अब सोचा थोड़ा फ़ोटोशूट वगैरह कराया जाए, थोड़ा सा वॉक वॉक करके मैंने हस्बैंड को बोला कि मेरी थोड़ी वीडियोस वगैरह लो होटल के साथ, फुल इंटीरियर के साथ। तो काफ़ी अच्छा वीडियो लिया है उन्होंने। अब हम लोग जा रहे हैं बाहर। इसके बाद हमारा प्लान था कि हम लोग मूवी देखने जाए। ओ माई गॉड, हमने वहाँ से रिक्शा ली सिटी सेंटर 2 के लिए जो कि 5 मिनट्स के डिस्टेंस में ही था, और वहाँ पहुँचते बहुत ज़ोरों की बारिश होने लग गई, आप देख सकते हैं। फिर भी हम लोग उतना भीगे नहीं, एट लास्ट हमने टाइम से वहाँ पहुँच गए, अच्छे से मूवी देखी, बहुत अच्छी मूवी लगी हमें। अगर आपने नहीं देखी है तो आप भी ज़रूर जाइएगा देखने। तो ऐसे बहुत अच्छा दिन हमारा स्पेंड हुआ दोनों का। उसके बाद निकल चले हम लोग अपने घर की तरफ। सुबह के निकले हुए हमें रात के कुछ करीब 8 बज गए थे। तो ये था हमारा पूरा दिन। बाय बाय।